नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी दिव्य चमत्कारी जड़ी बूटी जो कि बहुत ही प्रभावशाली है और हमारे घरों के आसपास, हमारे देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसे देखे होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे। अगर नाम नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, यह नदी नालों के किनारे में पाया जाता है और अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे नागरमोथा कहा जाता है, उर्दू में भी नागरमोथा ही कहा जाता है, संस्कृत में इसे नागर मुस्तक कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों साइपिरस स्कोरियोसस और यह साइपरेसी कुल का पौधा है। तो आप भी देख लीजिए, पहचान लीजिए, आज के बाद इसके औषधि गुणों से अवगत हो करके इससे फायदे जरूर उठाइए। दोस्तों, बहुत ही लाभकारी है, फायदेमंद है और इतना ज़बरदस्त असर दिखाता है कि आप खुद हैरान रह जाओगे और इसका इस्तेमाल ज़रूर करोगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, अच्छे से देख करके पहचान लीजिए इस नागरमोथा को। यह पाली के क्षेत्र में अक्सर किनारे किनारे में पाया जाता है, तो आप लोग देख सकते हो कहीं भी यह पाया जा सकता है, मतलब जहाँ पानी का क्षेत्र होता है, नदी नाले, तालाब, नहर, जहाँ भी, तो वहाँ पे किनारे किनारे में यह अक्सर लगा होता है, स्वतः ही उग जाता है। तो इस तरह से नागरमोथा का जो पौधा होता है वह दिखाई देता है और इसकी जड़ों का औषधि प्रयोग होता है मुख्यतः, लेकिन मैं आप लोगों को इसके सभी प्रकार के जो प्रयोग है उनको बताऊंगा और उनके लगभग जो खास जानकारी है उसे बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो की जानकारी तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यह नागरमोथा चरपरा, शीतल, कड़ुआ, कसैला, हल्का रुक्ष और कफ, पित्त, रुधिर विकार, तृष्णा, ज्वर, अरुचि, कृमिनाशक है। यह मुस्ता संग्राहक तथा दीपन पाचन द्रव्यों में भी सर्वोत्तम माना गया है और यह शोध नाशक भी है और मूत्रल भी है, ज्वर नाशक भी है, विष नाशक भी है और बल कारक भी है। तो आइए जानते हैं दोस्तों नागरमोथा की कुछ खास औषधि प्रयोग। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का फोड़ा, फुंसी, घाव या बहुत हाथ पैर में जख्म हो गया हो तो इसके लिए आप नागरमोथा का जड़ का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसकी जड़ को निकाल लेना है और जड़ को पत्थर की मदद से पत्थर में घिस घिस करके उससे पेस्ट निकालना है और उस निकले हुए पेस्ट में देसी घी मिला करके यदि आप घाव में लेप करते हैं और प्रतिदिन उसको मलहम की भांति लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका घाव किसी भी अन्य तरह की और दवाई की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी और आसानी से वह घाव समाप्त हो जाता है। नागरमोथा की जड़ को किसी अच्छे दिन में उखाड़ करके ले करके आ जाएं और उसे पीस करके दूध के साथ घोल करके पिलाने से मिर्गी रोग में भी फायदा होता है। इसी तरह से नागरमोथा की जड़ को काढ़ा बना करके दिन में 3 बार पीने से अतिसार, पेचिस, दस्त में फायदा होता है। नागरमोथा की जड़ को बकरी के दूध में पीस करके आँखों के आसपास लगाने से आँखों का दर्द चला जाता है और आँखों की जो काला घेरा होता है वह भी समाप्त हो जाता है और आँखों की ज्योति बढ़ने लगती है। नागरमोथा की जड़ को काढ़ा बनाकर 10 से 30 ml की मात्रा में प्रतिदिन खाली पेट पीने से जठरग्नि पाचन क्रिया में सुधार होता है और बहुत जल्दी खाया पिया पच जाता है। 5 से 10 ग्राम नागरमोथा की जड़ का चूर्ण खाने से पेट में पल रहे कृमियों का नाश होता है और कृमि रोग से छुटकारा मिल जाता है। और नागरमोथा की जड़ का काढ़ा बनाकर 50 ml की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से सुजाग रोग में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, और ताजे नागरमोथा की जड़ को पीस करके अगर कोई स्त्री की स्तनों से दूध नहीं आ रहा है तो उसमें लेप करने से ताजे ताजे नागरमोथा की जड़ को पीस करके स्तन से दूध आना शुरू हो जाता है और स्तन दूध से भर जाता है। इतना चमत्कारी और ज़बरदस्त फायदेमंद है नागरमोथा की जड़। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप नागरमोथा की जड़ का 5 से 10 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन खाते हो गुनगुने जल के साथ तो आपका घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधा, जितने भी ज्वाइंट पेंस के दर्द हैं वो सारे दर्द गायब हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। आप आजमा करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, जिनको बार बार स्वप्न दोष होता है, बिस्तर पे ही निकल जाता है सोते सोते,
या फिर किसी भी प्रकार की स्त्रियों की लड़कियों की स्वप्न देखते देखते उनका बिस्तर पे ही वीर्य निकल जाता है। तो इस तरह की समस्या को स्वप्न दोष कहा जाता है और इसे दूर करने का बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है नांगर मोथा। नांगर मोथा की जड़ ले लीजिए और पलाश की पत्ते, ये दोनों को एक साथ पीस करके चटनी बना करके 5 से 10 ग्राम खा सकते हैं या गोली बना करके रख सकते हैं और 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो नांगर मोथा की जड़ को और पलाश के पत्ते को सुखा करके चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच चूर्ण भी शीतल जल के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। इससे भी आपका धातु गिरना या स्वप्न दोष होना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आपके शरीर में वीर्य का संरक्षण होगा, ऐसे बर्बाद नहीं होगा। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो आप नांगर मोथा की जो तना देख रहे हो लंबी लंबी, इन तनों को काट करके अपने सिराने पर कुछ 8-10 तने लगा दीजिए। इसके बाद सो करके देखिए, 10 मिनट के अंदर आपका आँख लग जाएगी और आपको भरपूर नींद आएगा। तो इस तरह से दोस्तों नांगर मोथा बहुत ही काम की औषधि है और इसकी बाज़ारों में खूब मांग है। हमारे क्षेत्र में इसकी बहुत खुदाई होती है जड़ों की और सेठ पंसारी के यहाँ लोग इसकी जड़ों को बेचते हैं और अपना रोजी रोटी का भी इसे साधन बना लेते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा औषधि है, इसे आप पहचान लीजिए। इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। आज की वीडियो की जानकारी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें इसी तरह की ज्ञानवर्धक विशेष औषधि प्रयोग जानने सुनने देखने के लिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।